Hello, Assalamu Alaikum. Welcome back to another vlog. My name is Muhammad Azam and I am hopefully, inshallah, a new second year medical student at the Khyber Medical College. In this vlog, we'll be talking about कि जिन students का MBBS में first year में दाखला हो गया है तो उनको क्या क्या करना चाहिए. अच्छा, step number one, आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई की है, 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल, और यू वेंट थ्रू दैट रफ स्टेज ऑफ योर लाइफ. अब क्या करना है, कमिंग जो 1-2 महीने हैं इसमें किताबें बंद कर दें और चिल आउट, इन्जॉय करें. इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न अ न्यू इंस्ट्रूमेंट, गो लर्न दैट इंस्ट्रूमेंट. इफ़ यू वॉन्ट टू रीड बुक्स, गो रीड बुक्स. इफ़ यू वॉन्ट टू मे बी हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, डू दैट. विद योर फैमिली गाँव जाएँ, चक्कर लगाएँ, ट्रैवल करें, इन्जॉय करें, चिल करें. सही है, आपका अगर नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है और अगर आपका कहीं नीचे आ रहा है तो ज़रा स्ट्रेस भी खैर लें, लेकिन जस्ट चिल आउट, एवरीथिंग इज गोना बी ओके इंशाल्लाह. सईदा, स्टेप नंबर टू. अभी कुछ लोगों का, क्योंकि जब मेरा भी दाखिला हुआ था तो मैंने गलती ये की थी कि मैंने सारी किताबें ले ली थी. सही है ना, मैंने स्नेल भी ले ली थी, बहुत ओरिजिनल कॉपी में. सही है ना, स्नेल गाइड ना सारी बुक्स ना, तो फिर अभी तक वो यूज़ नहीं हुई मुझसे. सही है, मतलब प्रॉपर यूज़ नहीं हुई. तो आप बुक्स लेने में जल्दी ना करें, टेक इट लाइट, आराम से जब आपका दाखिला हो जाएगा फिर आराम से बुक्स लें. तो इस टाइम में आप किताबों को बिल्कुल टच ही ना करें. सही है. अच्छा, इसके अलावा अभी जो आपके पास 1-2 महीने हैं तो फोकस ऑन योर हेल्थ, क्योंकि आप उस रफ फेज से गुजर चुके हैं. आपके डार्क सर्कल्स भी आए होंगे, मेरा तो खैर वैसे ही है, तो आपके सर्कल्स भी आए होंगे, डार्क सर्कल्स, आप ज़रा फिजिकली वीक भी हो गए होंगे. तो आप इस टाइम में जूसेस पिए, खाना खाएँ, जिम ज्वाइन करें, या मतलब आप फोकस ऑन योर हेल्थ, जनरली वर्कआउट करें, दौड़ लगाएँ, है ना, ताकि जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा तो तब तक आप ज़रा फ्रेशन अप हुए होंगे और आप मतलब ज़रा फ्रेश होंगे. सही है, तो फोकस ऑन योर हेल्थ. हाँ, अगर आपका लेट्स सपोज मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया है तो आपने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया, आप कोई बहुत बड़े इंसान नहीं बन गए, आप वही छोटे से इंसान होंगे मेरी तरह. सही ना, एक आम से इंसान होंगे. और जब आप मेडिकल कॉलेज आएँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक बंदा मुख्तलिफ जगहों से आया है और हर एक बंदे में एक मुख्तलिफ क्वालिटी है, मुख्तलिफ टैलेंट है, मुख्तलिफ, कोई प्यारा होगा, कोई खूबसूरत होगा, कोई लिखने में अच्छा होगा, कोई जो है, तो हर एक बंदे में इंडिविजुअली डिफरेंट क्वालिटीज़ होंगी. तो आप ये ना समझे कि मतलब आप ही सब कुछ हैं, हर एक बंदे में अपनी क्वालिटीज़ हैं. तो डू नॉट गेट इनटू दैट सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. आपका अगर दाखिला हो गया ना तो आप शुक्र अदा करें और आप ज़रा से बैठ के एक डायरी निकालें ना, और आपका जो फेज गुजरा है 6-7 महीने, तो आप ज़रा उस पर गौर करें कि आपने क्या किया है और क्या अचीव किया है. और इस अचीव करने के पीछे कुछ लोग होंगे, कुछ 1-2-3 लोग कम अज़ कम होंगे जो आपके साथ है इस पूरी जर्नी में, इस स्ट्रगल में. तो गो एंड थैंक देम, उनको एक फूल दें, उनको एक लेटर दें, उनको जाके कहें कि थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग. और जस्ट उस इस फैक्ट को अप्रिशिएट करें कि ये जो आपने आज अगर यहाँ पे हैं तो आपकी सबसे पहले तो अल्लाह की आपकी आप पे मेहरबानी है, लेकिन उसके बाद ज़मीन पे कुछ लोग हैं जिन हु आर देयर एट द बैक एंड आपको सपोर्ट कर रहे थे. तो गो एंड थैंक देम और जस्ट अप्रिशिएट देयर एग्जिस्टेंस इन योर लाइफ. अगर आप मेरी तरह एक बंदे हैं जिनको यूट्यूब से या वीडियोस बनाने का शौक़ है, क्योंकि मेरा भी था लेकिन मुझे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो गो ओपन दैट यूट्यूब चैनल. अगर आपका इंटरेस्ट है तो बनाएं यूट्यूब पे. सही है ना, यूट्यूब पे आएँ और मुझसे भी पूछें. सही है, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझसे अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए यूट्यूब के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से कम अज़ कम नहीं, लेकिन अगर आपको यूट्यूब के हवाले से, चैनल खोलने के हवाले से, या एक कॉन्टेंट के हवाले से मुझसे कुछ पूछना है, तो यू गाइज कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी एज़ वेल. इंपॉर्टेंट टिप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप, आपने जब मेडिकल कॉलेज आया ना तो अपने साथ ग्लूटिस मैक्सिमस, स्टेथोस्कोप और ग्लूटिस मिनिमस, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. सही है ना, ये आपसे सीनियर्स मांगेंगे खामखा, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को खामखा लेना है. अगर इसके अलावा आप यहाँ से कॉलेज आएंगे तो वी वॉन्ट अलाउ यू गाइस. सही है, इसलिए मैंने क्या किया था ना कि आई गॉट माई सेल्फ अ टैबलेट. सही है, तो मुझे टैबलेट में आई कैन रीड बुक्स, आई कैन टेक नोट्स, आई कैन वॉच लेक्चर्स. सो अगर आप या तो लैपटॉप अपने लिए लें या टैबलेट लें. सही है, तो इन दोनों में से एक चीज़ चूज करें. अगर दोनों हो तो वेल एंड गुड, लेकिन इन दोनों में से एक चीज़ आपको बहुत काम की होगी, आइदर अ लैपटॉप और अ टैबलेट. लेकिन पर्सनली मैंने टैबलेट लिया था तो उससे आपको फ़ायदा होगा, आप उसमें लेक्चर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं, उसमें आप बुक्स भी रीड कर सकते हैं. तो इधर चूज़ अ लैपटॉप और अ टैबलेट. तक जो है ना, हर एक बंदे की एक इंडिविजुअल लाइफ होती है ना, लेकिन अब आप आ रहे हैं एक प्रोफेशनल लाइफ में, यहाँ पर आपकी सोशल लाइफ होगी, तो आपने उस सोशल लाइफ में अपने आप को फिट इन करना है. तो अपने तरह के लोगों को ढूंढें, फाइंड योर पीपल, जिससे आपकी दोस्ती बन सकती है. सही है, तो स्टार्टिंग में आप इंटरेक्ट करें लोगों के साथ, और जो आपके लोग हैं उनके साथ स्टिक अराउंड करें,
और यहाँ पे अगर आपको अपनी तरह के लोग नहीं मिलेंगे तो आप मेंटली बहुत सफ़र करेंगे, सही है। और बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं जिनको यहाँ पे बहुत सफोकेशन फील होती है मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फाइंड देयर पीपल, और वो उसमें पर काफ़ी ज़्यादा बातें आएंगी। लेकिन स्पेसिफिकली ये बात है कि आपने अपने लोगों को ढूंढना है, फाइंड योर पीपल और जस्ट टेक इट ईजी, सही है ना। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को गो आउट एंड एक्सप्लोर, आपने फर्स्ट ईयर में क्या करना है कि आप जाके एक्सप्लोर करें, आप बुक्स रीड करें, सीनियर से मिलें, सोसाइटी ज्वाइन करें और वो सारी चीज़ें करें जो आप कर सकते हैं। तो ट्राई टू एक्सप्लोर द मेडिकल कॉलेज, सही है। या मेडिकल कॉलेज में आपका जब दाखिला होगा ना, जब आपका मेडिकल कॉलेज में दाखिला होगा ना, तो आप में से काफ़ी लोग शिफ्ट होंगे हॉस्टल्स, मतलब अगर आप एबटाबाद से हैं या सवाद से हैं, सवाबी से, जहाँ से भी हैं, तो अगर आपका लेट सपोज केएमसी में हो रहा है तो फिर आप लोग केएमसी शिफ्ट होंगे हॉस्टल, तो आपको फिर घर मतलब दो महीने बाद या एक महीने बाद या हफ्ता बाद आप घर जाएंगे, तो आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने बहुत कम टाइम मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि आपके पास अब जो टाइम है तो इसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें, आपके पास अभी जो टाइम है इसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें और अपने अम्मी अब्बू बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि फिर आपकी लाइफ मसरूफ़ हो जाएगी और फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी जो टाइम है, ट्राई टू इन्वेस्ट दिस टाइम एंड यूटिलाइज दिस टाइम इन द प्रॉपर वे, गो आउट विथ फ्रेंड्स, विथ फैमिली, विथ सिबलिंग्स और अपने घर वालों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। मेरा पर्सनल मशवरा ये होगा ना, जो मैं वो करूँगा, कि आप जब दाखिला होगा ना, तो फर्स्ट ईयर में आप एक्सप्लोर करें चीज़ों को, पढ़ाई भी साथ साथ करें लेकिन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, सोसाइटी ज्वाइन करें, लोगों से मिलें और जो आपके सामने आ रहा है उसको पिक करें, ठीक है। तो आपके पास कुछ टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा कि किन चीज़ों को आपने पिक करना है और किन चीज़ों को ड्रॉप करना है, किन लोगों से मिलना है और किन को ड्रॉप करना है, सही है। और आपको बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट ईयर में इज़ द एक्सप्लोरेटरी फेज, इसमें आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, सही है। और मेरा पर्सनल मशवरा होगा कि डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, बी लाइट ऑन योर सेल्फ। आपको फर्स्ट ईयर में इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, आप बहुत कुछ सीखेंगे फर्स्ट ईयर में जब आएंगे आप मेडिकल कॉलेज, लेकिन बी लाइट ऑन योर सेल्फ, अपने आप को टॉर्चर ना करें मेंटली और स्टार्टिंग से ही बड़ा ईजीली स्मूथली जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अप्रिशिएट एंड कंग्रेचुलेट योर सेल्फ, अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को कंग्रेचुलेट करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें और गिव क्रेडिट टू योर सेल्फ एज वेल फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन एंड दैट यू हैव पुट इन टू योर वर्क। तो अपने आप को अप्रिशिएट करें। और अगर आपको किसी किस्म का, इफ़ यू हैव गाइस हैव एनी क्वेरीज, यू गाइस कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एज अ मेस्टिक 88 और रीच आउट टू यू इंशाल्लाह। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी। अगर आप केएमसी आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस और स्टेथोस्कोप विद योर सेल्फ, अदरवाइज हम लोगों ने आपको छोड़ना नहीं है, सही है ना। एंड ऑन दिस पर्टिकुलर नोट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम, खुदा पामान।